इंडियन टी20 लीग में रविवार को सभी ग्रुप मुकाबले खत्म हो गए हैं। लीग के 56वें मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता को हराते हुए टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। मेजबान मुंबई ने एक तरफा अंदाज में दिनेश कार्तिक की कोलकाता को हराया। कोलकाता की हार के साथ ही इंडियन टी20 लीग के 12वें सीजन में प्लेऑफ खेलने के लिए 4 टीमों का फैसला भी हो गया। लीग में जहां चेन्नई, दिल्ली और मुंबई ने पहले ही प्लेऑफ में जगह बना ली थी, वहीं कोलकाता की हार की वजह से हैदराबाद को भी प्लेऑफ में जगह मिल गई। इस तरह आईपीएल के 12वें सीजन में खिताब के लिए मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और हैदराबाद के बीच मुकाबला होगा। अब पहला क्वालिफायर 7 मई को चेन्नई और मुंबई की टीम खेलेगी। वहीं 8 मई को दिल्ली और हैदराबाद की टीम एलिमिनेटर राउंड में आमने सामने होंगी। इस अहम मुकाबले में कोलकाता को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए मुंबई को हराना था, मगर शर्मनाक प्रदर्शन से कोई टीम विजेता नहीं बनती, लिहाजा कोलकाता के हारते ही बेहतर रन रेट के आधार पर हैदराबाद प्लेऑफ में गई। इस करो या मरो के मुकाबले में रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर कोलकाता को बल्ला थमाया। टीम महज 133 रन ही बना पाई। स्टार खिलाड़ी रांदे रसल 0 पर आउट हो गए और फिर रही सही कसर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने पूरी कर दी। कहने को तो उथप्पा कोलकाता की ओर से सर्वाधिक 40 रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, लेकिन इस बात में भी उतनी ही सच्चाई है कि इस हार के जिम्मेदार वही थे। जिस स्ट्राइक रेट से उथप्पा खेले उसकी काफी आलोचना हो रही है। दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपनी पारी में 47 गेंदों का सामना किया, इसमें उन्होंने 40 रन बनाए जिसमें 3 छक्के और 1 चौका शामिल था, लेकिन उन्होंने 26 डॉट गेंदें भी खेली। टी20 फॉर्मेट में इतनी गेंद डॉट खेलना किसी अपराध से कम नहीं। उथप्पा ना सिर्फ कोलकाता की हार में मैच के मुजरिम कहलाए, बल्कि अपने नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड भी दर्ज करा बैठे। 26 डॉट गेंदें खेलने के बाद वह लिस्ट में दूसरे पायदान पर पहुंच गए। उनसे आगे पंजाब के लिए खेल चुके पॉल वलथाटी हैं, जिन्होंने 2011 में दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाफ 29 डॉट गेंदें खेली थी। हालांकि 50 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने 62 रन बनाए थे। कोलकाता की हार की सबसे बड़ी वजह बीच के ओवर्स में बेहद धीमी बल्लेबाजी रही। 11वें ओवर में मिशेल मैकलेनिगन के ओवर में उथप्पा एक भी रन नहीं बना पाए और ओवर मैडन रहा। बोर्ड पर बड़ा स्कोर नहीं था, जिससे गेंदबाजों का मनोबल भी गिर गया। कोलकाता की पूरी पारी में 60 गेंद यानी पूरे 10 ओवर्स ऐसे थे जिसमें कोई रन नहीं आया। इसमें से 24 गेंदें अकेले रॉबिन उथप्पा ने डॉट खेली। इससे पहले बैंगलोर के खिलाफ भी सीजन में उन्होंने 20 गेंदों पर 9 रन बनाए थे और कोलकाता 11 रन से मैच हार गया था। अमर उजाला ग्रुप का मीडिया स्कूल द आरोहन मीडिया स्कूल यानी टैम्स दे रहा है सुनहरा मौका। एक साल के डिजिटल कोर्स में सीखें पत्रकारिता। कोर्स में सफल हुए छात्रों को मिलेगा प्लेसमेंट।